क्या बात कर रहा है, इतना में कौन ले गए गाड़ी? अच्छे से उठ रहा है गाड़ी। एंड इसमें एक फीचर आया था गाइस जो बहुत लोगों को पागल कर दिया था। भाई इसका जरा फीचर्स बता दो, क्या क्या बेसिक कितना में क्या समझेगा भाई इसका जरा फीचर्स बता दो क्या क्या बेसिक कितना में क्या समझेगा इतने में ये इधर से इधर जाके इतने में तुमको लगता है 3 लाख का गाड़ी कोई खरीदेगा? एक उनला बोलो, बोला बोला उनको बोलो। क्या बात कर रहा है, इतने में कौन ले गए गाड़ी? अरे तुम मेरे को बताओ ना, इतना में समझेगा गाड़ी का फीचर, समझेगा गाड़ी का कुछ? इधर से इधर आने का बस। He's telling me to take a U-turn from there. सर्विस रोड है ना लेफ्ट साइड। सर्विस रोड आगे टाटा का शोरूम लगेगा। करेक्ट। वहाँ से लेफ्ट टर्न है। ठीक है, वो लेफ्ट टर्न मार के फिर वो ये आगे वाला सर्कल में यहाँ से निकल के फिर ऐसा है। चलेगा। पेप्सी के उधर से आने। समझा समझा समझा। मैं वही बोला इतना छोटा मैं क्या समझेगा गाड़ी? हाँ हाँ। कैन यू ब्रीफ अबाउट द फीचर्स? इसमें अभी यहाँ पे आपको मोड्स है। अर्बन मोड में आपको अर्बन एंड रेड मोड में पावर सेम रहेगा, बट एबीएस जो वर्किंग रहेगा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। ओके ओके। और इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह दिया हुआ है, बट ये जो मोड से बाकी के आपको 1000 किलोमीटर के ऊपर जब गाड़ी रहने का तब भी चलेगा। ओके। 1000 किलोमीटर तो अभी डिफॉल्ट पे किस पे है? बाकी इसमें कुछ हीटिंग फीचर्स भी थे ना सीट के अंदर, ऐसा कुछ कूलिंग फीचर्स? आपको BTO ऑर्डर है उसमें आता है। ओके। वो आपको BTO ऑर्डर आता है उसमें आता है। ओके। वो एक्सेसरी है? ये बेस है। ओके। क्लाइमेट कंट्रोल सीट, जैसा वो अपना अपाचे वाला जो वर्जन है BTO वैसा ये है क्या? ओके। और ये ओके okay. और उसमें और उसमें हम लोग ऐसा मतलब कर सकते हैं कि एडजस्टेबल ही चाहिए सीट, वो कूलिंग वाला नहीं चाहिए कि सब वो? अच्छा। डायनेमिक किट एंड डायनेमिक प्रो किट। डायनेमिक किट में आपको सस्पेंशन एडजस्टेबल ब्रास कोटेड चेन वगैरह चीज है। डायनेमिक प्रो किट में आपको क्लाइमेट कंट्रोल सीट वगैरह वो चीज है। अच्छा, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं अपने साथ? सही है, परफेक्ट। एंड क्विक शिफ्टर है इसमें? ओके। और बाय डिफॉल्ट है या? ओके okay. उसके लिए एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ता है? ये न्यूट्रल में क्यों नहीं जा रहा है? ये भी एडजस्टेबल फ्रॉम कंपनी है ना? आगे कितना है? 320 है क्या डिस? ओके। एंड स्लीपर क्लच है इसमें? ओके गाइस, सो टुडे वी आर राइडिंग द RTR 300। क्वाइट लेट टू द पार्टी बट ठीक है। एंड अपन थोड़ा सा भिड़ गए जो स्टाफ है उससे, मेरे को बोला यहाँ से यू टर्न लेके वो पीछे वाला सर्कल से लेके आओ गाड़ी वापस। हार्डली 200 किलोमीटर्स, 200 बोल रहे, 200 मीटर भी नहीं होएगा, विच इज़ क्वाइट स्टूपिड। समझेगा क्या गाड़ी के बारे में भाई? रुक जा रहे बाबा। एंड टर्निंग रेडियस इज क्वाइट नाइस, एंड एज यू कैन सी राइड बाय वायर भी है इसके अंदर, एडजस्टेबल लेवर्स आते हैं, डिस्प्ले क्वाइट नीट। एंड अभी मेरे को बोला गया है कि 1000 किलोमीटर्स के बाद में ही इसका सब मोड्स वगैरह सब अनलॉक होता है। एडजस्टेबल फोक्स नहीं है इसके अंदर, एंड ये सब BTO में आता है। साउंड अच्छा है, 4000 RPM के ऊपर ये आता है।
एंड थोड़ा सा रेव्स जो है थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक गाइस। एंड थोड़ा सा जो 4000 के ऊपर है ना, वाइब्रेशंस बहुत फील हो रहा है इसमें। और आप लोग देख सकते हैं स्मार्ट एक्स कनेक्ट, बहुत सारा ब्लूटूथ व्लूटूथ आजकल तो सभी गाड़ियों में वो सब आ गया है। टॉर्क मेरे को थोड़ा सा फील हुआ, मेरे को एक्चुअली इसको स्पोर्ट मोड पे चलाना था, स्पोर्ट ट्रैक जो भी इसका मोड है। लेट्स टेस्ट द क्विक शिफ्टर ओवर हियर। काम ही नहीं कर रहा है, लॉट ऑफ विंड ड्रैग। भाई साहब क्रेजी वाइब्रेशंस है। पावर इज क्वाइट नाइस, 312 सीसी का इसके अंदर इंजन है। नॉट श्योर अबाउट द BHP। ओहो नाइस, क्वाइट पंची इंजन, अच्छे से उठ रहा है गाड़ी। एंड साउंड भी अच्छा है, आई लाइक द साउंड, क्वाइट रैस्पी लाइक द 390s। वेरी नाइस। एंड इसमें एक फीचर आया था गाइस जो बहुत लोगों को पागल कर दिया था, वो है कि वेंटिलेटेड सीट्स, आपके बम के नीचे से आपको वेंटिलेशन मिलेगा, विच इज़ क्वाइट नाइस। अर्बन में इतना मज़ा आ रहा है तो ट्रैक में तो अच्छा ही मज़ा आता रहेगा। 6 स्पीड का गेयरबॉक्स है इसके अंदर, 800 mm का सीट हाइट है इसका। एंड मेरे को ज़्यादा टिपटो करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम 5'8" बाप रे, बाइक उठता है अच्छे से वो भी। एंड इसका ऑन रोड प्राइस जाता है 3 lakh rupees, विच इज़ क्वाइट क्रेजी। एंड दिस इज़ द बेस मॉडल, एंड अगर आप लोग इसमें और भी फीचर्स ऐड करेंगे तो और इसका प्राइस बढ़ता है। तो बाइक तो है अच्छा, मेरे को तो अच्छा लगा, मतलब मैंने सोचा था ओ हो हायर RPM में मस्त साउंड है इसका, लेकिन वो वाइब्रेशंस फील होते हैं थोड़ा सा टॉप RPM पे। एंड साउंड बहुत अच्छा है। एंड अगर आप लोग ये बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो आप लोग इसके पहले एक बार थोड़ा सा 390 को भी देख लीजिए, क्योंकि 390 लेवल का पावर है इसके अंदर। 250 वगैरह में मत जाइए, 250 इससे थोड़ा सा 15-20 हज़ार रुपये कम रहेगा। बट अगर आप लोग सोच रहे हैं उतना, 3 लाख का बजट है, तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा आप लोगों के लिए। एडजस्टेबल लेवल्स वगैरह आते हैं, इतने दुनिया भर के मोड्स आते हैं इसके अंदर, हज़ार लाइट XYZ, यू नेम इट, यू हैव ऑल दिस फीचर्स। एक टाइम था 300 cc में ज़्यादा कुछ आता नहीं था, आजकल कॉम्पिटिशन की वजह से इतना फीचर्स मिल रहा है कि आप लोग सोच नहीं सकते। एंड दिस येलो कलर ऑल्सो लुक्स पॉपी, उठता है, थर्ड गियर में भी अच्छे से उठ रहा है। बट क्विक शिफ्टर काम नहीं किया इसका, मैंने बहुत ट्राई किया। ऑन ऑफ थ्रॉटल में भी थोड़ा सा एक वो जर्क फील हो रहा है। अभी ये अर्बन मोड पे है तो इसके लिए इसका ABS थोड़ा सा जल्दी किक इन करता है। एंड मिरर्स भी भाई बहुत अच्छे सॉलिड मिरर्स हैं।
सो या गाइस दिस वाज द राइड, क्विक राइड ऑन द टीवीएस आरटीआर 300.